Namaste guys, good afternoon everyone. My name is CB Rex. I secured All India rank 111 this year. Last year I qualified at All India rank 293. So last year I was in Defence Account Service. This year I'm in Indian Revenue Service. So just I'll share a few pointers. Like, I started my preparation in 2018. I did it in Kerala. Basically, I'm a Malayali, but I was raised in Ranchi, Jharkhand. So main Hindi bhi bolta hu, Malayalam bhi bolta hu. Waisa hai case hai mera. So as you aap log jaise dekh rahe ho, waise hi meri story waise hi thi. Main job karta tha Pune mein. मैं डेढ़ साल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक कंपनी में था. फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यूपीएससी करना है. मैंने रिज़ाइन किया और आप लोगों जैसे क्लासरूम में बैठ के एक साल प्रिपेयर किया था अच्छे से. और उसके बाद मैंने 19 लिखा, यूपीएससी सिविल सर्विस 19 लिखा. इंटरव्यू तक गया बट मेरा नहीं हुआ. फाइनलिस्ट में मेरा नाम नहीं आया. अगेन आई डिसाइडेड एक और अटैम्प्ट देता हूँ. बाई गॉड्स ग्रेस 20 में मेरा हो गया. फिर उसी कॉन्फिडेंस में 21 भी लिख दिया, उसमें भी रैंक इम्प्रूव हो गया. So that's my story, short, the very short part of the story. Just दो चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहूँगा basically ये कि classroom अच्छे से कीजिए, classroom courses. यहाँ आपको सब coverage मिलता है. आपको मतलब होता है कि जो बच्चे classroom courses करते हैं, most of the things that UPSC syllabus में होता है वो class में cover होती है. आपको एक अच्छा coverage मिलेगा. आपका ड्यूटी है कि आप उसको जर जाके पढ़े, अब्जॉर्व करें. अब प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है आपको, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना पड़ता है. ये तो आपका काम है, आपको करना ही पड़ेगा. जो पहली बात वो है, यू हैव टू स्टे क्लास के साथ अप टू डेट रहना होगा. यू हैव टू पुट इन द एक्स्ट्रा हार्डवर्क. आपको याद रखना है आपके साथ 5 लाख बच्चे हैं जो लिख रहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और वो 5 लाख बच्चे भी आपके जितने ही डेडिकेटेड है. और एक चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए कि आप कम्पीट करें एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर के साथ, आप नहीं तो वही, तो फिर वो तो आपको हमेशा जहन में रखना होगा. दूसरी बात है कि दिस एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट, भारी नहीं है, हमेशा याद रखिएगा. बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, मेहनत लगती है, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, परसिवियर तो आपको करना ही पड़ेगा. अब एग्ज़ाम में प्रोसेस क्या है कि आप एट एनी पॉइंट एलिमिनेट हो सकते हो. प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, हो सकता है आपके साथ शायद होगा कि मेंस नहीं निकला, शायद आपका इंटरव्यू नहीं निकला, बट यू हैव टू स्टिक ऑन. द थिंग इज डोंट मेक ये कि एट एनी पॉइंट कि आपकी गलती के कारण नहीं हो रहे हो, मतलब आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो नहीं किया. लाइक अभी शायद एग्रीकल्चर कवर हो रहा है, राइट सर, इरीगेशन कवर हो रहा है, वो टॉपिक आपको थोड़ा होना पड़ेगा. आपसे कोई कुछ टॉपिक पूछा क्या है, इरीगेशन क्या है, टैंक इरीगेशन क्या है, इंडिया में कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, उसके पर्पज़ रीजन्स क्या क्या, यू शुड बी थॉरो अबाउट इट. आज सर पढ़ा देंगे, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट. होपफुली बैच शुरू ही हुआ है सर, बैच शुरू हुआ कुछ दिन बाद आप लोग धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके देखिए. स्टार्टिंग में मैजिक नहीं होने वाला कि पहले दिन बहुत मस्त वाला आंसर लिखोगे आप, नहीं होता है वो, प्रैक्टिस लगता है. बट इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा कि नैक है. टॉपर्स का देखिए, प्रीवियस ईयर टॉपर्स का, अब समझ जाओगे कि यार हो सकता है ये मेरे से. बस नहीं कुछ बोलना था आपसे, एंड आई होप 98th फाउंडेशन बैच या 99th फाउंडेशन बैच में आप लोग में से कोई कोई दिख जाए मुझे. चलिए ऑल द बेस्ट आप सबों को और ऑनलाइन वालों को भी. चलिए एंड ही इज अ वेरी मीडिया शाय पर्सन. आई इनवाइटेड हिम मल्टीपल टाइम्स एंड ही सेड सर नो सर आई वांट टू स्टे अवे. आई इनवाइटेड हिम फॉर द इंटरेक्शन. ठीक है, Zoom पे कर लेते हैं स्टूडेंट के साथ में, एंड ही ऑलवेज सेड नो सर.